अरे बेटा उल्टा क्यों लटका है? अरे पापा सर दर्द की दवाई खाइए, पेट में ना चली जाए। अच्छा है? अरे कहाँ से सोचता है इतनी गहराई की बातें? अरे पापा दिमाग की कमी नहीं है, पर आज तक कभी घमंड नहीं किया। तेरे हर सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में जीरो अंडा, ऐसा क्यों? अरे पापा अब्सेंट हो गया था। अब्सेंट? यहाँ से तो तू रोज स्कूल जाता था, अब्सेंट कैसे हो गया? अरे पापा मैं नहीं, जिस लड़के की मैं नकल मारता था वो लड़का एब्सेंट हो गया था। है? तेरी नालायक, रुक। पापा ये पछतावा क्या होता है? पछतावा? अरे बताओ ना, आप तो मम्मी की तरफ देखे जा रहे हो। अरे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ये क्या पूछ रहा है? अब क्या सुनाए? पछतावा। बेटा समझने वाले समझ गए। क्यों रे नालायक, कल तू स्कूल में क्या लेके आया था? नहीं पापा कुछ भी तो नहीं। कल तू दीवार पे लिख के आया है ना कि 50% लड़कियां बेवकूफ होती है। आइए यो। अरे पापा फिर मैंने उसको ठीक भी तो कर दिया था। क्या ठीक कर दिया था? फिर मैंने लिख दिया था कि 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती हैं। हैं? लौंडा तो मासूम है मेरा। ता जिंदगी में आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर आत्मविश्वास तगड़ा है ना तो इंसान पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। अरे पापा मैं तो लोहे से भी पानी निकाल देता हूँ। कैसे? हैंड पंप से। एक बात बता बेटा, अगर गूंगा आदमी है तो वो कंघा कैसे मांगेगा? सिंपल। और अंधा आदमी कैची कैसे मांगेगा? अब नालायक। अबे अंधा है वो, गूंगा नहीं, बोल सकता है। आया आया आया। बेटा पढ़े लिख के इतना महान बनना कि दुनिया के चारों कोनों में तेरा नाम हो। पर पापा एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम बेटा? अरे पापा दुनिया तो गोल है, फिर उसके चार कोने कहाँ से आएंगे? है? तू तो अभी से महानता की बातें करने लगा बे।